आज नूरवाला गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया, जिसमें मेयर प्रत्याशी अवनीत कौर व नगर निगम के सभी 25 वार्डों के भाजपा उम्मीदवार मौजूद थे। हैरत है कि 25 वार्डों के उम्मीदवारों को एक मंच पर एकत्रित करने की तरफ जो आयोजकों ने ध्यान लगाया, लेकिन हाजिरी की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। यही कारण है कि पंडाल में लगभग 1200 कुर्सियों की ही व्यवस्था की गई थी। इस लिहाजे से इसे एक बड़ी नुक्कड़ सभा कहा जाए तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि आज आयोजित सभा से अधिक हाजिरी हर्ष गार्डन में रघुनाथ तंवर कश्यप की सभा में जुट गई थी। और हाजिरी के नजरिए से देखें तो सुरेश गुंबर, दुष्यंत भट्ट व रामकुमार सैनी की सभाओं में ही काफी बड़ी संख्या जुटाई गई थी। लिहाजा सीएम की सभा के पैमाने से देखा जाए तो आज की मुख्यमंत्री की सभा विफल ही करार दी जानी चाहिए। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा तीन राज्यों में भाजपा सरकार की दुर्गति पर काफी भाषण दे गए। ये वोर, अरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। चौधरी देवीलाल की जो विरासत है वो तो हमारे पास है। 1975 में रोहतक जेल के वार्ड नंबर 1 में चौधरी देवीलाल जी की सेवा हमने की थी। पत्रकार मित्रों, 15 साल से शिवराज सिंह चौहान एक बैकवर्ड का बेटा और वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर कितना है? 1% नहीं है, 0.5% भी नहीं है, 0.16% है। राजस्थान में 1% का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले, मिजोरम में इनका 10 साल से था, शाहरुख खान ने जीत गया, दो जगह चुनाव लड़ा, इनका मुख्यमंत्री हार गया, ये कोई जश्न मनाने की बात नहीं है। की घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। मेरा ये कहना है कि आखिर कल के चुनाव परिणाम का विश्लेषण यदि करेंगे तो ध्यान में आएगा, रामलाल जी कह रहे थे कि अब उत्तर मध्य प्रदेश में 0.12% के अंतर से हार गए हैं। मैं थोड़ी जानकारी मित्रों आपकी बढ़ाना चाहता हूं। आज इस सवेरे मैंने परिणाम देखे, कुल मिला के सीटों में भले 3 सीटों का अंतर है, लेकिन जब वोटों की संख्या ये सारा काउंट किया है तो आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी के वोट पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 वोट ज्यादा आए हैं। 40,000 वोट ज्यादा आए हैं, ये 1.6% यानी 16% का जो अंतर है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, इसलिए कांग्रेस वहां जीत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। और मेरा दावा है कि कुछ भी ये जोड़ तोड़ कर ले, पहली बात तो ये सरकार बना नहीं पाएंगे मध्य प्रदेश में, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बना भी गए तो गारंटी से कहता हूं अगर 1 साल ये चला गए तो इनको मैं उस समय शुभकामनाएं दे दूंगा, क्योंकि जब इस प्रकार से एक फ्रैक्चर मैंडेट आता है, जब कोई स्वस्थ बहुमत नहीं होता है और जो इनके घर के अंदर लड़ाई कहीं गहलोत और पायलट की लड़ाई चल रही है, कहीं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई चल रही है, मालूम नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो तमाशा 2-3 दिन चलेगा, आप देखना भाई। जाहिर है एमपी राजस्थान व छत्तीसगढ़ की हार उन्हें सहन नहीं हो पाई। हालांकि भ्रष्टाचार पर सीएम ने अपना एजेंडा टॉप में रखा, इसके बावजूद सीएम मनोहर लाल कोई जोश युवा वर्ग में नहीं भर पाए। एक बहुमत के साथ, एक जीत, भारी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई एक आध पिच बीच में ऐसे आ जाए कि जो किसी और दूसरे पक्ष के, पाकिस्तान के भी पक्ष में कोई मैच एक आध जीत जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैच पूरा जीत गए। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।